सहारनपुर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। सहारनपुर की पुलिस और प्रशासन के द्वारा जनता के बीच में जा जा के कई सारे मीटिंग्स की गई है। लोगों के मन में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कल भी देवबंद में मीटिंग किया है, सहारनपुर शहर में मीटिंग किया है। आज भी तमाम जो जनप्रतिनिधिगण और ग्रास रूट लेवल के जो तमाम अन्य अन्य अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम लोगों ने मुलाकात की और जनता से लगातार हम लोगों ने अपील किया है कि कहीं पे भी कोई भी रूमर फैलाने की कोशिश करें उनके बहकाव में ना जाएं, और किसी भी रूमर फैल रहा हो उसके संबंध में तत्काल पुलिस को जानकारी दें, जो फैलाने वालों का भी जानकारी दें। कहीं भी जो इस बात को लेके जो गलत चर्चा करता हो उसके संबंध में भी हमें जानकारी दें। धारा 143 लगी है, उसको कैसे? ये तो पूरा प्रदेश भर में लगी है और सहारनपुर में खासकर माहौल बिल्कुल शांत है। जनता से हम डायरेक्ट टच में हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमारा स्ट्रांग है। कहीं पे भी कोई सूचना हो तुरंत हम लोगों के पास खुद ही मतलब लोग फोन करके बता रहे हैं, तुरंत पहुंच के हम लोग उनको जो जो गलत फहमियाँ दूर कर रहे हैं। और जहाँ तक तमाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, तमाम तबके के लोग और तमाम लोगों से हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं। कोई भी जुलूस निकलने का, कोई सामूहिक जगह पे इकट्ठे होने का मना है। हम लोगों ने किसी भी जगह पे हमने इकट्ठा होने का परमिशन नहीं दिया है। हालांकि जो भी अपने जो ज्ञापन देना चाह रहा हो वहाँ पे हम लोग स्वयं पहुँच के ज्ञापन भी ले रहे हैं। इंटरनेट सेवा को लेकर क्या कहेंगे? अभी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद है क्योंकि कहीं जगह पे हमारे जिले के बाहर के लोग जो है जिले के माहौल बिगाड़ने के लिए रूमर फैलाना चाहते हैं, इसको लेके हम लोग थोड़ा सा सतर्क हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं उस पर किस तरीके से इसमें भी हम लोगों ने कल को एक शख्स को गिरफ्तार किया कि जो अनाप शनाप कहानी अपने आप बना के जो इंटरनेट पे शेयर कर रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा लेके उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। इस तरह से तमाम सोशल मीडिया पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं।